भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने आज सड़क पर आकर लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत की। उन्होंने दीवारों पर लिख दिया, एक बार फिर मोदी सरकार। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने राजधानी भोपाल के शिवाजी नगर के वार्ड क्रमांक 45 बूथ क्रमांक 159 पहुंचकर दीवार लेखन किया। उन्होंने लिखा, एक बार फिर मोदी सरकार। आपको बता दें कि 2018 में लोकसभा चुनाव में एमपी से भारतीय जनता पार्टी ने 28 सीटों पर विजय प्राप्त की थी। भारतीय जनता पार्टी का इस बार 29 की 29 सीटें जीतने का लक्ष्य है। राहुल गांधी द्वारा निकाली जा रही न्याय यात्रा को लेकर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि देश कांग्रेस से न्याय मांग रहा है, कांग्रेस ने क्या क्या किया है। आज भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर दीवार लेखन का अभियान शुरू किया है। प्रचार प्रसार की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, तो सभी कार्यकर्ता, आज मैंने शुरुआत यहां से की है भोपाल में बूथ क्रमांक 159, और यहां से आज हमने एक बार फिर से मोदी सरकार के स्लोगन के साथ 2024 के चुनाव की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर आज दीवार लेखन कर रहे हैं, और कमल का फूल जो हमारा चुनाव चिन्ह है, और एक बार फिर से मोदी सरकार के स्लोगन के साथ हम चुनावी मैदान में उतरे। हमारा संकल्प है प्रत्येक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी, जो हमने कहा था कि हर बूथ पर मोदी, हर बूथ पर कमल, और एक बार फिर से मोदी सरकार का स्लोगन, इसको लेकर के हम चुनावी अभियान में इस प्रचार प्रसार की दृष्टि से आज हमने शुरुआत की है। हमारे सभी जिलाध्यक्ष, सभी मंडल अध्यक्ष, सभी बूथ के अध्यक्ष, सभी सांसद, सभी विधायक, सभी जनप्रतिनिधि आज से इस प्रचार प्रसार के अभियान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनावी मैदान में, चुनावी अभियान में जुटे। हर बूथ पर 65,000 बूथों पर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता एक बार फिर से मोदी सरकार के स्लोगन का दीवार लेखन करके हर बूथ को जीतकर इतिहास बनाएंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।